हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं बीए थर्ड ईयर्स की, इसके बारे में बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करते हैं। भूगोल के क्षेत्र में आधुनिकतम खोज कौन सी, तो अंटार्कटिक महाद्वीप। द रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1830 ईस्वी में। भूगर्भ शास्त्र के सिद्धांत के रचनाकार हैं, तो वह हैं लाइल। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता विक्टर कॉसिन का संबंध किस देश से है, तो वह फ्रांस है। नियतिवाद के समर्थक कौन है, तो विक्टर कॉसिन। किस पुस्तक में भूगोल के कार्य क्षेत्र को नए रूप में प्रस्तुत किया गया, तो प्रोस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी। भौतिक भूगोल के क्षेत्र विस्तृत है, समुद्र विज्ञान, हिमनद विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान। आर्थिक भूगोल में किसका अध्ययन या अध्यापन कार्य किया जाता है, तो कृषि भूगोल, विनिर्माण उद्योग भूगोल और परिवहन भूगोल का। वाशिंगटन विज्ञान समिति में किस वर्ष भूगोल को कार्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया, 1960 में। सम्मिश्र समाकल प्रदेश विचारधारा का सूत्रपात कहाँ पर हुआ, तो सोवियत संघ में। और फिर इसमें बात करते हैं जियोग्राफिकल ऑफ एंशिएंट पीरियड ऑफ सोशल रेफरेंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन जियोग्राफर। बौद्धों की गीता किस ग्रंथ के में माना जाता है, तो धम्मपद। पौराणिक काल का समय कब माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। भौगोलिक ज्ञान से ओतप्रोत ग्रंथ कौन सा है, तो हस्तचरित और पवनदूत। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं, तो राजशेखर। ब्रह्म सिद्धांत के लेखक कौन है, तो ब्रह्मगुप्त गुप्त। हेमवत का उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद में। कितने विंध्य पर्वतों को ओडोन कहा है, तो टालमेन ने। मेरू के चारों ओर विस्तृत पर्वत कहलाता है विषकंभ। कौन सा पर्वत परिमंडलों का घोतक है, तो वह वर्ष। महामेरु किसका पर्याय है, तो वह पामीर का।